हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है टाटा ग्रुप की तरफ से। तो गाइस, इससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। तो गाइस प्लीज़, आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, मेरी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, 2 दिन से इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, बहुत ही कम मैं आप लोगों को अपडेट दे पा रही थी। साथ ही गाइस, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये अपडेट दे दी जाए। तो गाइस, आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो टाटा की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, कैसे पता चलेगा रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप सभी को गाइस ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए जो है मौसम चेंज होने की वजह से वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 दिन आप लोगों के लिए थोड़ा अपडेट कम की जाए, मैंने इसलिए टेलीग्राम पर भी सेंड किया था। बट गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले बात करें टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप की जो वैकेंसी आ रही है, यहाँ हमारी फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है, वो भी टाटा ग्रुप की तरफ से। मैं अलग अलग ग्रुप की तरफ से आपको वैकेंसी बताने वाली हूँ। इस वैकेंसी के लिए वॉक इन इंटरव्यू आप लोग का रहेगा, ऑफ कैंपस इंटरव्यू। गाइस, मैं ऑफ कैंपस इंटरव्यू में भेजने से पहले आप लोगों को मेन चीज़ बताना चाहूँगी कि जो टाटा ग्रुप है क्या सच में रिप्लाई करता है या नहीं करता है, या हम सभी जो अप्लाई करते हैं एकदम बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे कि क्या सच में टाटा ग्रुप में हम जब अप्लाई करते हैं सोर्स के ज़रिए ही जा सकते हैं, या फिर जो अदर हमारे स्टूडेंट है फ्रेशर वो भी जा सकते हैं। तो गाइस, इस बात में हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देती हूँ। तो गाइस, इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहे जो हमारी यूट्यूब पे नहीं दे पाती अभी। वैसे भी मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन की गई, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है हम सभी की, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रही है। ये जो है आप लोगों की 2 दिन पहले ही पोस्ट आउट की गई है। बाकी अगर देखा जाए तो इसका इंटरव्यू होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें, ये चेन्नई की रहने वाली है और ये आप लोगों को मतलब 30 रेट का इसका इंटरव्यू रहने वाला है 30 अक्टूबर का। तो जो हमारे स्टूडेंट इसके आसपास के होंगे वो इसके लिए जा सकते हैं, जो दूर वाले हैं उनके लिए हम और भी आपको अपडेट बताने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल जो इसकी साइड है उससे ये सेंड किया गया है, मतलब जो इनके एचआर वगैरह होते हैं वो इस पेज को हैंडल करते हैं। यहाँ जो आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा चाइना में रहने वाला है। बाकी गाइस देखिए, ये जो आपका इंटरव्यू है चाइना का रहेगा, बट इंटरव्यू अलग अलग लोकेशंस पे रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि चाइना में ही इंटरव्यू होगा। तो भले ही आप लोग का अलग अलग लोकेशंस रहे, यहाँ देखिए आपका डेट एंड इंटरव्यू का टाइम दे रखा है 30 अक्टूबर का रहेगा, सैटरडे का। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों को नहीं करना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैसे अप्लाई करना है वो हम जानेंगे। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इंटरव्यू रहेगा, ये वेन्यू दिया गया है तमिलनाडु का। ओके, यहाँ आपका इंटरव्यू होगा। आपका जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन अलग अलग जगह रह सकता है, डिपेंड करता है कि इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री भी रह सकता है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। जैसे देखिए, यहाँ पर ये CNC वगैरह के क्षेत्र में, मेंटेनेंस के क्षेत्र में, अगर आपके पास जो है डेवलपमेंट इंजीनियर के क्षेत्र में है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आप सभी के लिए कि जिस क्षेत्र में आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है उस क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको देखिए, ये जो एड्रेस दिया गया है इस पर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। कोई भी लिंक या किसी भी CV या किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है, ओके। इनके HR से बात करने के लिए आप लोग इनके लिंक मैं दे दूंगी टेलीग्राम पर, तो आप लोग इस लिंक पे जाकर इनके HR से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। आप लोग LinkedIn से जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे।
नेक्स्ट वैकेंसी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड की। ये वैकेंसी आप लोगों का जो इंटरव्यू है 5 नवंबर को रहने वाला है 2022 में। और गाइस यहाँ आपकी जो लोकेशन है उसके बारे में बात करें हम सभी, तो देखिए इसका पूरा पेज ओपन कर सकते हैं आप सभी। यहाँ पर इसी भी प्रकार के आप लोगों के सामने अपडेट आती रहती है, बट मैं आप लोगों को दोनों अपडेट के बारे में बता देती हूँ। ये भी आ रखी है एक अपडेट, एक ये भी है, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क इतना है कि लोकेशन वगैरह चेंज रहेगा। ओके, अब गाइस यहाँ आपका एक्सपीरियंस क्या है सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो हमारा वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला 5 नवंबर को है 10 बजे से 4 बजे तक, बीई बीटेक एमई एमटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे। मुंबई कोलकाता लोकेशन है, 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। यहाँ पर ये सभी स्किल्स दी गई हैं, इनमें से किसी भी क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। जैसे देखिए सिविल के क्षेत्र में पाइपिंग या फिर मैकेनिकल डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, किसी भी क्षेत्र में है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इधर भी आप लोगों को दिया गया है एक और अपडेट। ये आप लोगों को अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जैसे बीई बीटेक एमई एमटेक कर रखा है, मुंबई कोलकाता है, 8 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों एलिजिबल है इस वाली वैकेंसी के लिए। देखिए यहाँ पर ये 8 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस क्षेत्र में, ओके, इलेक्ट्रिकल वगैरह के क्षेत्र में मांगा गया है। यहाँ डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है, 3 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस है। मुंबई एंड यहाँ पर जमशेदपुर आपका लोकेशन है। बाकी देखिए बात करें तो आपका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में होना चाहिए, ऑटो कैड वगैरह काफ़ी चीज़ें दी गई है, अपना एक्सपीरियंस एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। और यहाँ आपका जो इंटरव्यू रहेगा, ये वेन्यू दिया गया है टाटा कंसल्टिंग आपका जो है कंपनी रहने वाला है, कोलकाता का इसका इंटरव्यू रहेगा। वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर। बाकी ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है तो आप लोग वॉक इन इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करें अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो। अब मैं फ्रेशर वालों का थोड़ा बात करूँगी, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर फ्रेशर वालों की भी वैकेंसी बताऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। ये वैसे तो मैं आप लोगों को इसका जो है थोड़ा सा ब्लर कर दूंगी, आप लोगों को नहीं दिखेगा। ये एक मेन स्टूडेंट की प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ज़रिए से इन्होंने, इनको नीड है बहुत ज़्यादा जॉब की, तो इन्होंने अपना रिज्यूम शेयर किया है। किसके साथ किया है? वो भी टाटा कंपनी है उसके साथ शेयर किया है इन्होंने। और गाइस शेयर करने के बाद इनके पास रिप्लाई भी आया है टाटा का, देखिए इन्होंने कितने सारे हैशटैग डाले हैं। तो इन्होंने टाटा के पास और भी कई कई सारी कंपनीज है, इन्होंने अपना रिज्यूम वगैरह भी शेयर किया है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ हम लोग क्या जानने वाले हैं। देखिए गाइस ये जो स्टूडेंट है इनके पास एक्सपीरियंस भी है काफ़ी, तो इनके पास टाटा कंपनी का रिप्लाई आया है। और टाटा कंपनी ने रिप्लाई करने के बाद देखिए क्या कहा है, चलिए हम लोग टाटा कंपनी का रिप्लाई देख लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद ही हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में थोड़ा आप लोग करेंगे, मैं आप लोगों को इनकी प्रोफाइल भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप देखिए यहाँ पर ये टाटा का जो है इनका रिप्लाई आया है, वो भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया है टाटा ग्रुप ने, ठीक है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया है, डियर इनका नाम दिया है, उसके बाद थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग विद टाटा कंसल्टिंग। तो गाइस इन्होंने रिप्लाई किया है, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आप लोगों को इस तरीके से इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सीधे जो इनकी वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई का मतलब है CV एंड पूरा आपको इनका बायोडाटा फिल करना होगा, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है CV भेजेंगे तो आप लोगों को हायर नहीं किया जाएगा। आप लोगों को अगर इसमें अप्लाई करना है टाटा में तो आपको इनके मेन वेबसाइट से जाकर आपको अप्लाई करना होगा, तो इस वेबसाइट पर भी मैं आपको लेके चलूंगी। उससे पहले देखिए मैं एक स्टूडेंट का और कमेंट दिखा देती हूँ। इसमें जो नीचे ये कमेंट है, ये कमेंट में लिखा है इन्होंने, नाउ अ डेज टाटा इज गिविंग रिप्लाई, नाइस टू सी। तो गाइज टाटा का रिप्लाई आ रहा है, इन्हें भी ऑलमोस्ट आया है। तो गाइज ये जो स्टूडेंट हैं ये मतलब सीनियर ही हो सकते हैं गाइज, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आप लोग ये बात देख सकते हैं कि आप लोगों को खुशी होने वाली बात है कि इनका रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप टाटा की मेन वेबसाइट है वहाँ से जाकर ज़रूर अप्लाई करें। और जब टाटा के ग्रुप वाले खुद इम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो चलिए ये आप लोगों ने जान लिया कि इसका मतलब टाटा का रिप्लाई आ रहा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको इस लिंक पर लेके चलूँगी जो इनकी वैकेंसी निकाली गई है।
तो गाइस उस वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं जो टाटा ने प्रोवाइड की थी। यहाँ देखेंगे आपसे भी काफ़ी सारे वॉक इन इंटरव्यू रखे गए हैं 5 नवंबर को, 5 नवंबर, 18 नवंबर इस तरीके से। बट एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों के लिए है। एक्सपीरियंस जैसे देखिए 15 का है, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है इस तरीके से। बट हम लोग मोस्टली यहाँ पर देखेंगे फ्रेशर्स का। कोलकाता लोकेशन है, ऑलमोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लास्ट डेट क्या दे रखा है। क्लोजिंग डेट 6 नवंबर है इसकी, 6 नवंबर दे रखी है। काफ़ी मतलब 31 अक्टूबर को हो जाएगी कुछ यहाँ पर ऑफ, तो आप लोगों को जल्दी अप्लाई करना होगा। पुणे की लोकेशंस है, तो हमारे पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ बीई वाले एलिजिबल है। एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। बट फ्रेशर वाला सिर्फ जो हमारे फ्रेशर वाले स्टूडेंट है वो यहाँ अप्लाई करेंगे बीटेक वाले, ठीक है। इस लोकेशन के लिए 0 ईयर एक्सपीरियंस कोलकाता है, 6 नवंबर तक इसका रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू 5 नवंबर को रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का फ्रेशर वालों की है वो देखिए, ये आप लोगों की कोलकाता है बीटेक, यहाँ भी 5 नवंबर को इंटरव्यू रखा गया है और एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है। तो ये 2 वैकेंसी के लिए फ्रेशर एलिजिबल है, बाकी सबके लिए एक्सपीरियंस है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर जाइए। जाने के बाद एक इस तरीके का टैब ओपन होगा, उसके बारे में पूरी चीज़ दी जाएगी और आप सभी यहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, इस पर क्लिक कीजिए, येस कीजिए, देन आप लोगों को इस फॉर्म को पूरे को फिलअप करना है। ऑलमोस्ट आप सभी भर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों को इसको डिटेल में डिस्कस करूँ। तो गाइज़ कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग इसका वॉक इन इंटरव्यू आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू ज़रूर अटेंड करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।